बुलेटिन का आगाज कर दिया। लुधियाना कोर्ट में सिमरजीत सिंह बैंस की आज पेशी होनी है। बैंस ने पांच मुलजमान को अदालत में पेश पुलिस करेगी। दस दिए कि लुधियाना कोर्ट में सिमरजीत बैंस की आज पेशी होगी और इस लेके बैंस ने पांच मुलजमान को आज अदालत में पेश किया जाएगा। सारे मुलजमान का तीन दिनी रिमांड आज खत्म हो रहा है। कथित रेप मामले में 11 जुलाई को सिमरजीत बैंस ने कोर्ट में सरेंडर किया। हालांकि इस तो पहला लगातार कोर्ट तो अदालत तो बचते नजर आए। इतने तक कि भगौड़ा करार दिता गया सिमरजीत बैंस नूं, जमानत अर्जी भी जारी की गई थी। उस तो बाद सिमरजीत सिंह भरा गिरफ्तार किया गया, फिर उसके साथी भी काबू किया गया। लगातार दबाव जोड़ा है सिमरजीत बैंस से बनया हुआ से, फिर 11 जुलाई को सिमरजीत बैंस ने सरेंडर किया। सो तीन दिन का जोड़ा रिमांड हासिल होया वो अज खत्म हो रहा है। अज एक बार मुड़ तो पेश हो गए सिमरजीत बैंस। लुधियाना कोर्ट में सिमरजीत सिंह बैंस की अज पेशी होनी है। बैंस ने पांच मुलजमान भी अदालत में अज पुलिस पेश करेगी। तो की कोर्ट की अज की कार्रवाई रही देखना बहुत ही अहम रहने वाला है। सारे मुलजमान का तीन दिन रिमांड जो हासिल होया सी वो अज खत्म हो रहा है, जिस बाद एक बार फिर तो कोर्ट के अज सिमरजीत सिंह बैंस ने पांच मुलजमान पेश किया जाएगा। नवीन शर्मा तो अपडेट लेने आया। नवीन, जिस दे नाल तीन दिन का रिमांड सी हासिल होया, आज खत्म हो रहा है, पेश किया जाना है एक बार फिर तो कोर्ट विच, की कुछ जानकारी, कदों तक पेशी है? रिमांड खत्म हो रहा है। सिमरजीत सिंह बैंस, परमजीत सिंह पम्मा जेडे बैंस का भरा है, क्योंकि तीन भरावां का इस FIR दे विच नाम सी। पिछले दिन ही करमजीत सिंह बैंस नूं तां 14 दिन दे जुडिशियल जेल भेज दिता, पर हुण जेडे 500 रुपया ने पिछले दिन सरेंडर किया, उस तो बाद उन्होंने तीन दिन के रिमांड से ले गया। अज पंजा का रिमांड खत्म हो रहा है और सिमरजीत सिंह बैंस, परमजीत सिंह पम्मा बैंस और बाकी जेडे तीन आरोपी है उन्होंने अज लुधियाना की अदालत के 11:30 बजे के करीब पेश किया जाएगा। पुलिस फिर रिमांड मंगेगी क्योंकि काफी लंबे सिमरजीत सिंह बैंस से जेडे बाकी आरोपी से वो भगोड़े चल रहे थे। तुम्हें पता होगा कि पोस्टर भी लाए गए थे अदालत पर सिमरजीत सिंह बैंस को अदालत में पेश की, पर सिमरजीत सिंह बैंस पेश नहीं हुई थी। और लगातार हुण जिस तरह के नाल यह रिमांड खत्म हो रहा, अज फिर पुलिस रिमांड मंगेगी। सवाल है कि जेडे बाकी पिछले 20-21 दा रेप मामला उस पर। बिल्कुल नवीन, थोड़ी आवाज सही नहीं पहुंच पा रही, असं कोशिश करते हैं दोबारा थोड़े नाल राबता करिए, लेकिन दस दें कि सारे मुलजमान का तीन दिन रिमांड अज खत्म हो रहा है। मनिया जा रहा है कि 11:30 दे विच दे करीब उन्होंने एक बार फिर तो पेश किया जाएगा। कथित रेप मामले 11 जुलाई में कोर्ट में सिमरजीत बैंस ने सरेंडर किया। हालांकि लगातार दबाव सिमरजीत बैंस से बनया हुआ, जिस नाल उन्होंने भरा की गिरफ्तारी हुई, उन्होंने करीबी दोस्त की जी है साथी की गिरफ्तारी हुई और बैंस ने पांच मुलजमान अदालत में अज पुलिस पेश करेगी। लेकिन देखना अहम होगा कि कुछ आज पेशी दौरान होंदा है। नवीन देना एक बार फिर गल करते, नवीन जिस तरह तुम जानकारी दे रहे सन कि आज पेश किया जाएगा 11:30 बजे, यकीनन पुलिस की कोशिश होगी होर रिमांड लेने की? बिल्कुल राधा, क्योंकि रिमांड पुलिस पूरी तरह लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि पिछले जेडे फरार रहे सारे जिन्हें भी आरोपी थे वो कितने रहे, किन्होंने उन्होंने पना दी, वो कि जगह लुके रहे, तो यह पुलिस के लिए जानना जरूरी है। जोड़े मोबाइल है वो हजे रिकवर नहीं किए, क्योंकि मोबाइल रिकवर करने तो बाद कितने कितने कॉलिंग हुई, कितने कितने गल हुई, यह सारा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के एक पार्ट है। और अब फिर सिमरजीत सिंह बैंस जेड़े बाकी चार आरोपी है उन्हों का रिमांड पुलिस फिर मंगेगी। सिमरजीत सिंह बैंस को और बाकी चार आरोपियों को फिर पुलिस आज रिमांड से ले सकती है और रिमांड तो बाद वो पूछगिछ करनी जरूरी है, क्योंकि इन्ने दिन सिमरजीत सिंह बैंस कितने रहे, बाकी जोड़े आरोपी से वो कितने लुकते रहे। लगातार तुम्हें पता होगा कि पोस्टर भी लाए गए थे थाणियां दे विच इलाके दे विच के सिमरजीत सिंह बैंस को भगोड़ा भी करार दे दिता है, वांटेड चल रहे थे। और हुण अज फिर रिमांड खत्म होने तो बाद पुलिस दोबारा फिर रिमांड मंगेगी और रिमांड दे विच फिलहाल की जानकारी, बहुत बहुत शुक्रिया। मनिया जा रहा है कि 11:30 बजे के करीब पेश जड़ा है इन सारे अज किया जाएगा।